कौशिक मैथ्स क्लब में आपका स्वागत है। आज हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं 12 अगस्त 2018 को कराए गए राजस्थान एलडीसी का पेपर। देखो पहले तो ये बता दूं कि ये पूरा का पूरा पेपर जिन्होंने आरएस अग्रवाल वाली बुक कंप्लीट अच्छे से ढंग से पढ़ रखी है तो उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपको ज्यादातर उसी में से मिलेंगे। अब उसके बाद जो इसमें लॉगरिथम वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, लॉगरिथम यानी लघुगणक, तो मैंने जो वीडियो डाली थी आधा घंटे की 40 मिनट की वीडियो थी, दो क्वेश्चन लॉगरिथम के आए हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन उसी वीडियो से हैं। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति जिसने पढ़ा हुआ है, दो दिन का टॉपिक होता है वो निर्देशांक ज्यामिति के, क्योंकि आरएस अग्रवाल की बुक में पुरानी वाली बुक में निर्देशांक ज्यामिति नहीं है लेकिन नए वाली बुक में अगर आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा हुआ है तो नई बुक में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे उसके। ठीक है तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी। इसने पूछा है कि इसका गुणनखंड क्या होगा, तो गुणनखंड वाला जो चैप्टर है आर एस अग्रवाल बुक में बीज गणित वाले चैप्टर में मैंने 76 से लेकर के 119 तक के क्वेश्चन बीज गुणनखंड वाले करवाए हैं, तो उसमें आपका पेज नंबर ये 681 है, उसमें 76 से लेकर के 119 तक के गुणनखंड वाले क्वेश्चन है, उन्हीं में से एक क्वेश्चन है ये, तो आप इसको देख सकते हो। आप इसको तरीके से करना चाहोगे तो तरीके से भी कर सकते हो और अगर ऑप्शन से करना चाहते हो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। जैसे इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी, दूसरा ऑप्शन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी प्लस सी, तीसरा ऑप्शन एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस सी, फोर्थ ऑप्शन एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यानी अगर मुझे ये ऑप्शन से करना है तो अगर इन दोनों की गुणा करते हैं हम तो ये आना चाहिए, तो गुणा करके देख लेते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर मिल जाएगा मुझे, x इंटू ए करोगे तो यहाँ पे भी ए एक्स आएगा और यहाँ से भी ए एक्स मिल रहा है, ठीक है, फिर x इंटू बी करोगे तो बी एक्स आएगा और यहाँ से भी बी इंटू एक्स बी एक्स मिल रहा है, उसके बाद c इंटू एक्स करोगे तो सी एक्स मिलेगा, यहाँ से भी सी एक्स मिल रहा है, फिर यहाँ पे c की और a की गुणा करोगे तो ए सी मिल रहा है, जबकि मुझे ए बी या बी सी चाहिए लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, मुझे ए सी मिल रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसी फिर सेकंड में देखोगे x into x यानी x square मिल रहा है, x into b यानी bx भी मिल रहा है, x into c यानी cx भी मिल रहा है, a into x यानी ax भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे a की गुणा b में करोगे तो ab तो मिल जाएगा लेकिन अगले वाला a की गुणा c में करोगे तो ac आ रहा है जबकि हमें क्या चाहिए, bc चाहिए, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। x into x करोगे x square, x into a करोगे तो ax मिल जाएगा, x into c करोगे तो cx भी मिल जाएगा, b into x करोगे तो bx भी मिल जाएगा, b into a करोगे तो ab भी मिल रहा है और b into c करोगे तो bc भी मिल रहा है, तो यानी थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन, 50,005 का आपको वर्ग निकालना है, ऑप्शन दिए हुए हैं 25,525 अब देखो इसको ये 50,005 का वर्ग निकालना है, तो वर्ग निकालना है तो आप इसको लिख सकते हो 50,000 एक दो तीन चार जीरो आ जाएगी आगे, 50,000 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब ये बन रहा है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर लगाओगे तो पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, चार जीरो है तो वर्ग करोगे तो कितनी जीरो आ जाएंगी, 8, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का वर्ग 25 प्लस 2ab करोगे यानी 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, 10 बजे 50 और 50 के आगे चार जीरो, ये तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, पहले 5 ट्रिपल जीरो और 25,
फिर ये आप इसमें जोड़ोगे तो ये देखो तीन और तीन छह अंक, तीन और तीन छह अंक तो ये कवर हो जाएगा, तो ये बचा 2500 और ये हो जाएगा आगे 5000 25, तो ये आंसर आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट फाइव सेवन थ्री सेवन फाइव की पावर 1/3, 1/3 का मतलब घनमूल। देखो पिछले वाला क्वेश्चन वर्ग का था, ये आपका घनमूल का क्वेश्चन है, तो आपके मैंने वीडियो डाली हुई है घन और घनमूल की, तो जिसने नहीं पता हो वो पूरी वीडियोस जो है पूरी थ्योरी के लिए आप वो वीडियोस देख सकते हैं, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, क्यूब रूट की ट्रिक्स। अब देखो ये घनमूल निकालना है, तो घनमूल में आपको बता रखा है कि घनमूल निकालने के लिए आप हमेशा राइट साइड से जोड़ा बनाते हो तीन का। अब यहाँ पे इकाई का पांच है तो उसके घनमूल में इकाई का क्या आएगा, पांच आएगा। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो बाई तरफ संख्या बची हुई है उसके पास का पूर्ण घन देखते हैं, तो 857 के पास का पूर्ण घन 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब तो ज्यादा हो जाएगा इसलिए 10 नहीं ले सकते हो, तो 9 लेना पड़ेगा। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 95। log ba into log cb, ये भी क्वेश्चन आपको जो मैंने लघु गणित की वीडियो डाली थी अभी कुछ दिन पहले उसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब इसमें मैंने आपको बताया था अगर ये लिखा हुआ है ऐसे तो आप इसको डिवाइड में लिख सकते हो, यानी log a अपॉन log b लिख सकते हो, इसको log b अपॉन log c लिख सकते हो, इसको log c अपॉन log a, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका जो है आर एस अग्रवाल बुक की से ही है, पेज नंबर 706, क्वेश्चन नंबर 18 उसी के जैसा क्वेश्चन है। इसने कहा है कि द्विघात समीकरण जिसका एक मूल, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट इसने दे रखा है आपको रूट 5+2, और इसने पूछा है कि समीकरण क्या होगी, तो समीकरण पूछी गई है, ऑप्शन दे रखे हैं इस तरीके से, अब अल्फा अगर रूट 5+2 है तो द्विघात समीकरण में हम आपको पढ़ाते हैं तो उसमें क्या आता है, अगर यहाँ प्लस का है तो दूसरा मान क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि आपके श्री धराचार्य सूत्र पढ़ते हो तो उसमें प्लस माइनस आता है बीच में, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी एक बार प्लस की और एक बार माइनस की, तो अल्फा का मान प्लस का है तो बीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस का। उसके बाद यहाँ से हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, तो सम ऑफ रूट्स निकालोगे यानी मूलों का योग, और मूलों का योग जब इन दोनों का योग निकालोगे तो ये प्लस दो माइनस दो कट जाएगा, तो रूट पांच, और रूट पांच कितना हो जाएगा 2√5, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल जब इन दोनों को आप गुणा करोगे तो ये ऐसे आएगा √5+2 और √5-2। अब ये फॉर्मूला बन रहा है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट पांच का स्क्वायर पांच, दो का स्क्वायर चार, पांच में से चार गया तो एक, यानी ये आ गया आपका पी का मान। और जनरल समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर जीरो, ये होती है जनरल समीकरण, ये एस है तभी इसको फाइव समझो, एक्स स्क्वायर माइनस एस मतलब सम ऑफ रूट कितना दिया हुआ है 2√5, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 1, तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x+1, यानी फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन में इसने कहा है यदि 13 के क्रमागत तीन गुणकों का योग 390 है तो 13 का दूसरा गुणक पूछा है, तो 13 के तीन गुणक मान लिया मैंने 13a 13b 13c,
बराबर क्या है, इनका योग कितना दिया हुआ है 390 दिया हुआ है, तो 13 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा 390 बटे 13, 13 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 30, और ये क्रमागत है यानी ये भी क्रमागत होगी a b c, और 30 को अगर मैं 3 से भाग कर दूं, औसत वाली वीडियोस आप देख सकते हो, 30 को 3 से भाग किया तो औसत कितना आया 10, और आपको मैंने बता रखा है औसत वाले चैप्टर में भी कि जो औसत होता है वो हमेशा बीच में स्थित होता है, इसका मतलब ये जो 10 मान है वो बी का मान हो गया, तो बी का मान 10 हो गया तो सी का मान 11 क्योंकि क्रमागत है, ए का मान 9 तो बी का मान 10 हो गया। अब इसने 13 का दूसरा गुणा पूछा है तो 13 से गुणा कर दो सब में, तो 13 बी दूसरा पूछा है तो 13 गुणा 10 हो जाएगा, तो 13 गुणा 10 यानी 130, पहला पूछता तो 13 गुणा 9, तीसरा पूछता तो 13 गुणा 11, तो आंसर आ जाएगा गाइस इसका 130। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये साझा वाले चैप्टर के क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि राजा ने 37,500 रुपए, राजा ने 37,500 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया, कुछ समय पश्चात उमेर 50,000 रुपए के साथ व्यापार में शामिल हो गया, एक वर्ष पश्चात उन्होंने लाभ को बराबर हिस्सों में बांटा, बराबर बराबर लाभ बटा है एक वर्ष बाद, तो इसका मतलब ये तो शुरू में आ गया था तो ये इसका पैसा 12 महीने लगा। अब इसमें आगे कहा है क्वेश्चन में, बताइए उमेर कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, सेम इसके जैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे साझा वाले चैप्टर में, आर्य सक्रमाल में देख लेना, बताइए उमेर कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो कितने महीने बाद आया ये पूछा है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये एक्स महीने बिजनेस में रहा है, तो यहाँ पे ये 2 0 ये कट जाएंगे, 25 से काटोगे 25 से 25 बचे 12, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 5 चौक 20, 5 किया 15, 4 से काटोगे 4 किए 12, 3 किया 9, 9 अनुपात x, ये क्या हो गया इनके निवेश का अनुपात, और यही क्या होगा इनके लाभ का भी अनुपात होगा, और बराबर बराबर बांटा है इसने, बराबर बराबर बांटा है यानी 1:1 दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, तो बाह्य पदों की गुणा बराबर आंतरिक पदों की गुणा करोगे तो x बराबर आएगा ये 9 माह, ये क्या आया है कि ये 9 महीने बिजनेस में रहा, लेकिन इसने पूछा है कितने महीने बाद आया, कितने माह बाद आया, तो टोटल 12 महीने थे, 12 में से 9 महीने ये बिजनेस में रहा है, तो कितने महीने बाद आया ये 3 महीने बाद, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका लाभ हानि वाले चैप्टर से है, लाभ हानि की भी मेरी वीडियो जो पड़ी हुई है, टाइप वाले क्वेश्चन जो मैंने करा रखे हैं उनमें से ही चौथी या पांचवी टाइप का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 3 टोफियां खरीदी, 1 रुपए में 3 टोफी खरीदी तो 1 टोफी का क्रय मूल्य कितना हुआ 1/3 रुपए, वह 1 रुपए में कितनी टोफियां बेचे कि उसे 50% का लाभ हो, तो 50% का लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 150%, क्योंकि 100% क्या होता है क्रय मूल्य, 50 का लाभ कमाना है तो बेचेगा कितने में 150% में, तो 1/3 का 150% निकाल लेते हैं, तो 50 से काटा 50 दिए 150, 50 से काटा 50 दूनी 100, 3 से 3 कट गया 1/2 रुपए, यानी 1 टोफी 1/2 रुपए की है, तो इसका मतलब 1 रुपए में कितनी टोफी हो गई 2 टोफी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1 रुपए में 2 टोफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन परसेंटेज वाले चैप्टर से, किसी नियत संख्या का 21% 28 दिया हुआ है, 21% बराबर 28 है, तब उसी संख्या का 15% कितना होगा, तो 15% निकालना है तो बराबर क्या हो जाएगा 28/21 नीचे गुणा में 15, 7 + 21 728, 3 से काटोगे 3 × 15 520, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइस 20। अच्छा ये पूरा का पूरा पेपर आपको पीडीएफ में नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप ये पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आयत वाले चैप्टर से है, क्षेत्रफल वाले चैप्टर से, सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपको आरएस अग्रवाल बुक में मिल जाएगा,
एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और परिमाप, परिमाप क्या होता है, दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 1:3 है। प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है इसमें कितना होगा, तो देखो लंबाई तो एक हो गई और यहां पे देखो दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई 3 है, तो दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 3 है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया यहां से 1.5। अब इस 1.5 में से लंबाई कितनी है, 1 है, तो यहां से चौड़ाई कितनी बच गई, 0.5, तो चौड़ाई का मान हो गया 0.5, लंबाई का मान कितना है 1, इसको सोल्व करना है 0.5, पॉइंट हटाओगे तो यहां 0 लगाओगे, 5 × 5 = 10, तो आंसर आ जाएगा 2:1। देखो इस चीज पे भी ध्यान रखना है 2:1, क्योंकि ऑप्शन में 2:1 भी दे रखा है, 1:2 भी दे रखा है, तो कभी 1:2 पे टिक कर करके और सोचो कि सही हो गया, ध्यान से 2:1 पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अनुपात समानुपात वाले चैप्टर से सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज कर रखी है, a/3 बराबर b/5 बराबर c/7 है, तो a+b+c/b का मान क्या होगा, तो ये आपको मैंने बता रखा है a+b+c/b का मान पूछा है, तो यहां से a/b/c कितना आएगा, a के साथ 1/3 है तो 1/3 का उल्टा 3, 1/5 का उल्टा 5, 1/7 का उल्टा 7, तो a/b/c आ गया 3:5:5:7, तीनों को जोड़ना है ऊपर तो 7 × 5 = 12 और 3 = 15, और नीचे b का मान कितना है, b का मान 5, तो 5 से काटोगे तो 5 × 15, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया हुआ है आपको 20, और इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई दे रखी है आपको 6√6, और इसने संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो मैंने आपको बता रखा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप इसका वर्ग कर दो 20 का वर्ग 400, और इसका वर्ग कर दो 20 का वर्ग कितना हो गया यहाँ पे 400, इसका वर्ग करोगे तो 6 का वर्ग 36 × 6 यानी 216, 400 में से 216 घटा दीजिए 184 आंसर आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये तो शॉर्टकट हो गया, लॉन्ग कट क्या चलता है l+b+h = 20 दिया हुआ है, तो यहां पे आप दोनों तरफ वर्ग करोगे तो ऐसे लिखोगे। अब इसमें a+b+c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² + c² + 2ab + bc + ca = 20 का वर्ग। अब ये क्या है, ये विकर्ण का होता है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √l² + b² + h² अंडर रूट हटाओगे तो उधर वर्ग लगाना पड़ेगा, तो इसलिए इसका मान हो जाएगा 6√6² और ये क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 20 का वर्ग 400, तो ये उधर लेके जाओगे तो 400 में से 6 का वर्ग 36 के 216, 400 में से 216 घटा दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 184। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ये भी आपके लॉगरिथम वाला क्वेश्चन है, वीडियो जो मेरी पड़ी हुई है तो लघुगणक वाली उसमें से सेम क्वेश्चन है आप देखोगे तो, एक्स का मान पूछा है, तो देखो मैंने एक्स का मान बताया है आपको कि अगर ऐसे लिखा हुआ है लोग ax = n लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिखते हैं x = a^n लिखते हैं, ये चीज मैंने बताई है बेसिक फॉर्मूला है, तो ये अगर यहाँ tan है तो ये tan उधर लिखूंगा तो इसमें क्या बन जाएगा, ये log2 log 4x = 10^0 और 10^0 का मान क्या होता है 1, ऐसे यहाँ ये बेस 2 है तो ये 2 उधर चला जाएगा तो 2^1 हो जाएगा, और इधर बचा log 4x और 2^1 का मतलब 2, फिर x बराबर अब ये 4^2 हो जाएगा
फोर की पावर टू कितना होता है 16, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये चित्र दिया हुआ है, ए बी सी डी, एंगल बी ई सी बराबर 45 डिग्री दिया हुआ, एंगल डीबीसी बराबर 55 डिग्री दिया हुआ, एसी और बीडी विकर्ण है, तो इसने पूछा है एंगल बीसीडी का मान क्या होगा, और ये एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है। देखो आपके सिलेबस में, एलडीसी के सिलेबस में केवल रेखा कोण और त्रिभुज वाला टॉपिक लिखा हुआ था, लेकिन जहां पे भी मैंने क्लासेस ली है वहां पे स्टूडेंट को सबको यही गाइडलाइन दी है कि सिलेबस में ये लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो है बहुभुज भी पढ़ना है, आपको वृत्त भी पढ़ना है, आपको चतुर्भुज भी पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन उनसे भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर सिलेबस में इतना लिखा हुआ है तो हम तो इतना ही पढ़ेंगे, पढ़ो भैया इतना। अब देख लो क्वेश्चन कहां से आ रहा है, ये क्वेश्चन एक्चुअली है वृत्त वाला चैप्टर या चक्रीय चतुर्भुज कह सकते हो, क्योंकि चतुर्भुज बना हुआ है। आप क्लेम भी नहीं कर सकते हो आरएसएस की बोर्ड पे, क्योंकि उसने तो ये त्रिभुज बना दिया दो लाइनें खींच करके, और त्रिभुज उसने कोर्स में लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो पूरा का पूरा लॉजिक है वो वृत्त वाले चैप्टर का लॉजिक लगेगा, तभी इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल पाओगे। अब इसने दिया हुआ है, अब देखो क्वेश्चन ये वृत्त का भी आया हुआ है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा, अभी चतुर्भुज का भी क्वेश्चन आएगा, आगे बहुभुज का भी क्वेश्चन आएगा, और तीनों टॉपिक एलडीसी के सिलेबस में नहीं लिखे हुए हैं। ऐसे अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको औसत वाला कराया, औसत वाला टॉपिक भी एलडीसी के सिलेबस में नहीं लिखा था, लेकिन उसने सरलीकरण लिख दिया एलडीसी के सिलेबस में, तो सरलीकरण के अंदर पूरी की पूरी गणित आ जाती है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि सर ये टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक नहीं है, सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे सरलीकरण वाला टॉपिक लिखा हुआ है, तो क्योंकि सरलीकरण के अंदर सारे चैप्टरों का मिश्रण होता है। कोण बीएसी बराबर 45 डिग्री, बीएसी ये 45 डिग्री दिया हुआ है आपको, डीबीसी डीबीसी ये वाला एंगल 55 दिया हुआ, और बीसीडी पूछा है बीसीडी ये वाला बीसीडी ये वाला एंगल पूछा है आपसे। तो देखो इसमें ये वृत्त वाली प्रॉपर्टी होती है, वृत्त के जो 20-22 प्रॉपर्टीज मैं लिखवाता हूं क्लास के अंदर, कि एक ही चाप या जीवा द्वारा वृत्त के विपरीत खंड में बनाए गए सभी कोण बराबर होते हैं, यानी एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क इन द अल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल, कितने भी कोण बने, ये 45 देखो इसी चाप से या इसी जीवा से ये कोण भी बन रहा है, और इसी जीवा से, जीवा यानी कोण, इसी जीवा से ये वाला एंगल भी बन रहा है, इसी जीवा से ये भी बन रहा है, तो दोनों बन रहे हैं, तो ये 45 है, तो ये भी क्या होगा 45। अब ये 45 और ये 55 कितना हो गया, 55 और 5 60 और 40 100, तो ये कितना बच गया 80, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइस 80। तो जिनका अभी एग्जाम 19 में है या फिर आपका जो है सितंबर में एग्जाम है, तो वो देख लें, वृत्त वाले क्वेश्चंस भी कर लें, चतुर्भुज के क्वेश्चन भी कर लें, बहुभुज का भी अभी आएगा क्वेश्चन, बहुभुज के क्वेश्चंस भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 2x प्लस 8 y प्लस 2x ए बी सी ये दिया हुआ है आपको, ये भी दिया हुआ है, एफ जी ई ये 10x ये 10x माइनस y, और इसने क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांशम कोंग्रेंट ट्राइंगल ईएफजी और एबी बराबर ईएफबी दिया हुआ है, तब इसने एक्स और वाई के मान पूछे हैं कि एक्स और वाई के मान क्या होंगे, तो आप ऑप्शन से आइडियाज लगा सकते हो। पहला ऑप्शन है एक्स बराबर 1 वाई बराबर 4, एक्स बराबर 4 वाई बराबर 1, एक्स बराबर 1 वाई बराबर 1, x बराबर 1 y बराबर 3। देखो मैंने आपको बता रखा है, मैं आपको त्रिकोणमिति भी पढ़ाता हूँ, क्षेत्रफल पढ़ाता हूँ, ठीक है, ज्यामिति पढ़ाता हूँ, तो उसमें मैं आपको
पांच पाइथागोरियन त्रिक लिखवाता हूँ कि ये तो आपके याद होनी चाहिए, और इनके ऊपर जो है गारंटी से बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। तो जैसे इसमें मैंने आपको लिखवा रखा है कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार तीन और चार है तो कर्ण हमेशा पांच होता है। ऐसे ही अगर लंब और आधार पांच और बारह है तो कर्ण हमेशा तेरह होता है। सात चौबीस तो कर्ण पच्चीस होता है, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। उसके बाद सात पांच, पांच बारह तेरह, सात चौबीस पच्चीस, आठ पंद्रह सत्रह, बीस इक्कीस उनतीस। अब ये क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। अगर आप यहां देखो x बराबर, अगर मैं यहां वन रखता हूं तो x बराबर वन रखोगे तो दो एकम दो और आठ, ये दस बन जाएगा। y बराबर फोर यहां रखते हो तो चार तो यहां रखोगे, प्लस x की जगह एक रखोगे तो दो एकम दो और चार छह, ये बन गया। तो ये छह ये दस, तो तीन को छह किया, पांच को दस किया, तो चार को क्या करना पड़ेगा, आठ, तो ये आठ हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में अगर ये भुजाएं आई है तो इसमें भी ये बराबर आनी चाहिए, क्योंकि ए बी अगर यहाँ पे आठ आया तो इधर ई एफ भी आठ आना चाहिए, क्योंकि इसने बोला है क्वेश्चन में कि ए बी बराबर ई एफ। तो देख लेते हैं, एक्स बराबर वन रखोगे तो एक्स की जगह वन रखोगे तो ये दस हो जाएगा, वाई की जगह चार रखोगे तो ये चार, एक्स की जगह वन रखोगे तो दस गुणा एक दस, दस में से चार गए तो छह, तो ये छह ये दस, छह और दस तो ये वाली कितनी हो गई आठ, तो ए बी बराबर ई एफ आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि तरीके से अगर आप समीकरण वगैरह बना के करोगे कर्ण का वर्ग वगैरह वो लेंथी पड़ेगा, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आप ऑप्शन मेथड से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। यदि पी के निर्देशांक जो वाई अक्ष पर स्थित हैं, देखो इसने बोला है पी के जो निर्देशांक है वो वाई अक्ष पे है, तो ये आपको थ्योरी में बता रखा है कि y x, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, और y एक्सिस पे कोई भी मान होगा तो उस पे x का मान हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो x का मान तो जीरो हो गया, अब मुझे y का मान पता करना है। फिर इसने आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तथा मूल बिंदु जीरो जीरो से, मूल बिंदु जीरो जीरो ये होता है, यहां से इस पी की जो दूरी है वो दो इकाई है, तो यहां से ये दो इकाई है, इसका मतलब ये y का मान कितना हो गया, दो हो गया, तो इसलिए पी के मान कितना आ गया, जीरो और दो। यही पूछा है कि पी के निर्देशांक क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जीरो और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 वाला जो क्वेश्चन है वो आर एस अग्रवाल बुक में लाभ हानि वाले चैप्टर में पांचवा या छठा क्वेश्चन है, जिसमें हम एलिगेशन टेक्निक का यूज करते हैं। तो इसने कहा है, मोहन ने 30,000 रुपए में दो गाय खरीदी, एक को 15% हानि पर तथा दूसरे को 19% लाभ में बेचने पर उसने पाया कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अच्छा, इसमें एलिगेशन नहीं लगेगा, ये तो नॉर्मल ही हो जाएगा बिना एलिगेशन के। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों गायों का क्रय मूल्य कितना है, तो टोटल 30,000 रुपए क्रय मूल्य दिया हुआ है। पहली का क्रय मूल्य मैं मान लेता हूं ए है, उसको इसने 15% हानि पे बेचा है, तो कितने में बेचा, 85% में बेचा, तो ये इसका विक्रय मूल्य हो गया। दूसरी का क्रय मूल्य मैं मान लेता हूं बी है, दूसरी को इसने 19% लाभ में बेचा है, तो इसका मतलब 119% में बेचा, ये दूसरी का विक्रय मूल्य हो गया। और क्वेश्चन में इसने दिया हुआ है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो बराबर रख दिया, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 17 × 85 = 17 × 119, तो यहां से ए अनुपात बी क्या आ जाएगा, ए के बराबर में 7, बी के बराबर में 5, तो ए अनुपात बी कितना आ जाएगा, 7:5। अब इसने दोनों गायों का क्रय मूल्य पूछा है, तो पहली गाय का क्रय मूल्य पूछा है, तो निकालने वाला अनुपात ऊपर 7 ऊपर, टोटल 30,000 है, तो टोटल 12 नीचे, इनटू में 30,000, तो 12 से काटोगे, 12 × 12 = 24, ठीक है, बचे कितने, 6 × 12 = 60, 25 × 7 = 175, तो 17,500 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में, तो 17,500 इसके हो गए, तो दूसरे के कितने हो जाएंगे, 12,500 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सेम क्वेश्चन आपका क्षेत्रफल वाले चैप्टर से। दो वृत्त की परिधि का अनुपात इसने दिया हुआ है 2:3 और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो
तो देखो मैंने ये वहां पे क्या है क्वेश्चन, आपको त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो ये चीज मैंने आपको बता रखी है, कभी भी ये त्रिज्याओं का अनुपात दे, परिधि का अनुपात दे, व्यास का अनुपात दे, तो क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा क्या होगा उनका वर्ग कर दिया जाएगा। ऐसे ही गोले वाले चैप्टर में आते हैं, आयतन पूछता है तो आयतन में क्यूब लग जाता है, तो त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, आयतन का अनुपात पूछे तो क्यूब लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा, वर्ग लगा दो, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो आंसर आ जाएगा 4:9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 21 सेंटीमीटर व्यास की एक गोलीय गेंद को पिघलाया गया तथा 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में पुनः ढाला गया, तब इस प्रकार बने घनों की संख्या क्या होगी। तो घनों की संख्या निकालनी है, ऐसे काफी क्वेश्चन करवाए हुए हैं क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर में कि घनों की संख्या निकालनी है, तो आपको बता रखा है कि बड़ा आयतन ऊपर और छोटा आयतन नीचे। अभी इसके जैसा एक क्वेश्चन और आएगा, बड़ा आयतन ऊपर, बड़ा आयतन कैसा है, गोलाकार है, तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। तो r कितना होगा, इसने व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21/2, ठीक है, 4/3 πr³ गोले के आयतन का सूत्र। और नीचे घन बना रहा हूं मैं इससे, तो घन का आयतन होता है भुजा का घन, और भुजा 1 सेंटीमीटर दे रखी है तो 1 का घन। अब देखो यहीं से आप क्वेश्चन सॉल्व ऑप्शन देख करके टिक कर सकते हो, पहला ऑप्शन दे रखा है 4410, 4200, 2100 और चौथा ऑप्शन 4851। तो आप यहां देखो इनको सॉल्व करके पाई का मान 22/7 रखोगे, तब भी कहीं से भी इकाई का अंक जीरो तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इकाई का अंक जीरो होने के लिए 5 चाहिए, गुणा में 5 तो कहीं है ही नहीं, तो इसलिए इकाई का अंक जीरो नहीं आएगा, तो तीनों ऑप्शन ये गलत हो गए। आप इसको पूरा सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा 4th ऑप्शन, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4th ऑप्शन। 120 क्वेश्चन में इसने कहा है कि निम्न समीकरण युग्मों में से किस युग्म के लिए हल विद्यमान नहीं है। हल विद्यमान नहीं है इसका मतलब कोई हल नहीं है, यानी नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन ये 4 इक्वेशन इसने दे रखी है, पहली है 2x - y = 0, रैखिक समीकरण वाले चैप्टर में करवा रखे हैं क्वेश्चन, देखो नो सॉल्यूशन के लिए अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ये लिखा रखा है कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू होता है c1/c2। अगर यहाँ तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लास्ट में नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे a1/a2 क्या होगा, जो x के साथ होता है वो यहाँ पे a1 और दूसरा जो x के साथ होगा वो a2, तो यहाँ पे a1/a2 क्या आएगा 2/1, यहां से क्या आएगा -1/2, तो ये दोनों तो बराबर आने चाहिए ना, लेकिन बराबर नहीं आ रहे तो पहला ऑप्शन गलत। फिर दूसरे में चेक करेंगे 1/2, 2/4, 1/2, तो ये तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों बराबर आ रहे हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, जबकि यहां नो सॉल्यूशन चाहिए तो ये गलत। यहां पे 1/3, यहाँ पे -2/4 करोगे तो इसको काटोगे तो -1/2, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे तो ये गलत, तीन गलत, तो चौथा ऑप्शन सही। यहाँ पे आप देख सकते हो 1/2, 2/4 करोगे तो बराबर आएगा, इसको काटोगे तो, और -5/12, तो ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं और ये बराबर नहीं आ रहे, तो ये कंडीशन यहाँ पे फिट बैठ रही है 4th ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, ऊंचाई और दूरी वाले चैप्टर से 121 में जो है आपको ये फॉर्मूला आपको लिखा रखा है कि अगर मान लो कोई ऊंचाई है, यहां से आप एक ही दिशा में अगर 2 कोण बनते हैं, तो ये वाला मैं बोलता हूं ये डी होता है, ये एच होता है, ये थीटा 1 और ये थीटा 2,
तो यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है डी इज इक्वल टू एच कोट थीटा वन माइनस कोट थीटा टू, और थीटा वन क्या होना चाहिए, थीटा टू से छोटा होना चाहिए। तो इसी के ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन है, और इसके ऊपर तीन चार क्वेश्चन है आपके आर एस अग्रवाल बुक में त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में। अब इसने क्वेश्चन देखो, सुन लो एक बार, एक ऊर्ध्वाधर टावर की छाया समतल मैदान पर 10 मीटर बढ़ जाती है, तो 10 मीटर बढ़ जाती है तो छाया बढ़ रही है, यानी ये डी का मान हो गया 10। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, तो पहले 45 था अब 30 हो गया है, तो टावर की ऊंचाई कितनी है, यानी एच का मान निकालना है। सेम क्वेश्चन है, वैल्यू भी वही है, ऑप्शन भी वही है, सेम क्वेश्चन है आपका आर एस अग्रवाल बुक का। कोट थीटा वन क्या होना चाहिए, छोटे वाला, यानी थीटा वन हो गया यहाँ पे 30 डिग्री, थीटा टू 45 डिग्री, 10 एच, कोट 30 का मान रूट 3, कोट 45 का मान 1, तो एच बराबर 10 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब इसको आप परिमेयकरण वगैरह सोल्व करके करोगे तो ये माइनस का है तो आपको बता रखा है, ऊपर जाके ये प्लस का बन जाएगा, और नीचे ये माइनस है तो रूट तीन का वर्ग तीन, एक का वर्ग एक, तीन में से एक गया तो नीचे दो आ जाएगा, एच से काटोगे तो 5, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5√3+1 बराबर ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, cos 0 cos 1 cos 2 ऐसे ही आपको cos 100 तक बोला है कि इसका मान कितना होगा, तो ये सब मल्टीप्लाई में है, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है बीच में cos 90 आएगा इसमें कहीं ना कहीं, और cos 90 का मान आपको पता है कितना होता है, 0, तो 0 आएगा, और 0 की किसी भी संख्या के साथ गुणा करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0। 23 वेरी आसान, पाई चार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है और वो भी आसान है काफी। ये 59% आरबी का है, 17% ये अन्य, 6% वेंचर, 9% ऋण इंटरेस्ट, 9% इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय। अब इसने क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में इसने कहा है कि दिए गए पाई चार्ट की सहायता से भारतीय सेना का खर्च ज्ञात कीजिए, तो भारतीय सेना का खर्च ज्ञात करना है। यदि भारत का कुल खर्चा 120 करोड़ रुपए हो, तो 120 करोड़ रुपए कुल खर्चा दे रखा है, और आर्मी पे कितना खर्च हो रहा है 59%, तो 120 का 59% निकाल लीजिए कितना होगा। जीरो से जीरो कट गई, 12 में 108 का 8 खासी लगे, 10 12 में 60 और 10 70, 10 से भाग करेंगे तो 70.8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, उन्नयन कोण क्या होता है, देखो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये वाला जो कोण होता है ये कहलाता है उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता है ये कहलाता है अवनमन कोण। नाम दोनों के अलग अलग हैं लेकिन दोनों के मान हमेशा बराबर होते हैं, तो इसने सूर्य का उन्नयन कोण यानी ये वाला एंगल पूछा है, तो ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। जब एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो, यानी ऊंचाई और परछाई बराबर दे रखी है, तो ऊंचाई और परछाई का कब बराबर होगी, जब ये दोनों कोण बराबर होंगे, और ये आपको पता है ये 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 90 तो ये हो गया, इन दोनों का कोण कितना बच गया 90, तो 90 में ये कितने कितने रखने पड़ेंगे 45 45, तो इसलिए उन्नयन कोण आगे 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपके लिए, तो 25 है। किसी वर्ष एक कस्बे में मात्र मृत्यु की संख्या 50 है, तो यानी 50 मात्र मृत्यु की संख्या है, यदि उस वर्ष जन्मे शिशुओं की संख्या 500 थी, तो 500 पे 500 शिशु अगर जन्मे हैं तो उसमें से 50 माताओं की मृत्यु हुई है, यदि उस वर्ष जन्मे शिशुओं की संख्या 500 थी। अब क्वेश्चन क्या पूछा इसने, तो मात्र मृत्यु दर प्रति एक लाख मात्र मृत्यु दर कितनी होगी, यानी ये वाला पार्ट पूछा है,
तो देखो सीधा सा है, यहाँ पे 500 था, यहाँ 50 यानी एक जीरो कम कर दी, तो यहाँ पे इतना है तो इसमें से एक जीरो कम कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 10,000। ये उत्तर आ गया। वाला क्वेश्चन स्टेटिस्टिक वाला पार्ट क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं अभी। 27 साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। पहला ऑप्शन है 23, दूसरा ऑप्शन 22 1/2, तीसरा ऑप्शन 0, फोर्थ ऑप्शन 45। तो देखो पहले वाला साइन स्क्वायर 1 आखिरी वाले साइन स्क्वायर 81 के 89 के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, 1 बनाएगा, क्योंकि 89 और 90 दोनों कोणों का योग 90 है, तो ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, cos स्क्वायर 89 लिखोगे और cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 होता है। ऐसे ही साइन स्क्वायर 3 है तो लास्ट में साइन स्क्वायर 87 आएगा, तो ये भी इसके साथ मिलकर के क्या बनाएगा, 1। तो ऐसे 89 और 90, 90 को 2 से भाग करोगे तो बीच में कहीं ना कहीं 45 वाला आएगा, तो 45 से पहले इधर क्या होगा 43 और इधर क्या होगा 47, तो 43 वाला 47 वाले के साथ मिलकर के 1 बना देगा, तो ये कितनी संख्याएं हो जाएंगी इधर, देखो टोटल ये 43 यानी, और दो दो का अंतर है सब में, दो दो का अंतर है तो ये टोटल कितनी बैठेगी, एक से स्टार्ट हो रही है तो टोटल 22 बैठेगी, तो 22 तो ये टोटल आ जाएगा, और ये साइन स्क्वायर 45 होगा, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, और स्क्वायर करोगे तो 1/2, तो 22 ये और आधा ये, तो आंसर आ जाएगा 22.5। जब इनके कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री, यानी 2a प्लस a माइनस 18 बराबर 90 डिग्री, 2a a 3a माइनस का 18 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो a बराबर 108/3, 3 से काटोगे तो 36 दिया 108, तो ए का मान आ जाएगा 36 डिग्री। 29 यदि एक वृत्त का व्यास दे रखा है 8 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 मीटर, तब किस लंबाई का चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करेगा, यानी चाप की लंबाई निकालनी है, चाप की लंबाई पूछी है और कोण दिया हुआ इसने 45 डिग्री। तो देखो ये भी वृत्त वाला क्वेश्चन है, और वृत्त वाला क्वेश्चन है, और वृत्त आपके कोर्स में लिखा नहीं है ज्यामिति में। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है आर इंटू थीटा, आर कितना दिया हुआ है 4, थीटा 45 डिग्री है, ये डिग्री में है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑप्शन आपको पाई के टर्म्स में दे रखे हैं, ये इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं। अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया हुआ है त्रिकोणमिति में कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से गुणा किया जाता है, तो 45 से ये 4 बार जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा पाई, यानी थर्ड ऑप्शन। 130 क्वेश्चन भी आपका स्टेटिस्टिक वाला पार्ट है का क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं। 31 में ऐसी कुछ आकृति बना रखी है मछली जैसी, ए बी सी डी, ये 3-3 दिया हुआ है, आर एस पी क्यू, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ये 11-11 दे रखा है। अब इसने क्वेश्चन में कहा है दिए गए चित्र में यदि बीडी समांतर है, बीडी समांतर है, आरएस समांतर है पीक्यू, यानी ये तीनों समांतर रेखाएं, सीपी बराबर पीडी, ये दोनों 11-11 दे रखी हैं, ये दोनों 3-3 दे रखी हैं, बीडी बराबर ये एक्स वाई जेड दे रखी है, तो इसने पूछा है वाई तथा जेड के मानों का अनुपात क्या होगा, वाई तथा जेड के मानों का अनुपात, तो ऑप्शन है 1-1, 3-11, 6-11, 1-2। तो आप देखो ये आपको मैंने बता रखा है
बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कह लो आप या मध्यानुपाती थ्योरम कह लो, कि मध्यानुपाती थ्योरम में अगर ये 11-11 है तो जो अनुपात इनका होगा वही अनुपात इनका भी होगा, यानी ये 11-11 है, सॉरी ये 11-11 है तो यहाँ पे ये 11 है तो टोटल कितनी हुई 22, अगर ये बड़े वाली 22 है तो ये वाली 22 होगी, छोटे वाली 11 है तो ये छोटे वाली 11 होगी, ऐसे इधर से अगर देखोगे तो ये 3-3 है तो ये 3 होगी और पूरी ये 6 है तो ये भी क्या होगी 6। अब यहाँ पे आप ये 22 है ये 6 है तो 22 और 6 का लघुत्तम कितना होता है 66, तो 66 यहाँ बनाने के लिए 11 से गुणा करोगे तो ये 66 बनेगा, तो ये 11 3 35 बनेगा, ऐसे यहाँ 66 बनाने के लिए 3 से गुणा करोगे तो ये 66 बनेगा, तो ये 33 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये x कॉमन है तो बराबर बनाना पड़ेगा ना दोनों तरफ, तो ये 66 66 बन गया तो ये 33 33 बन गया, तो y का मान 33 z का मान भी 33 तो 33:33 यानी 1:1 आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आयत एबीसीडी के विकर्ण, आयत है, आयत आपको खुद बनाना है, बना हुआ नहीं है डायग्राम में, तो एबीसीडी बना दिया हमने, के विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो ये ओ बिंदु हो गया, कोण बीओसी बराबर 68, बीओसी ये वाला एंगल दे रखा है 68 डिग्री, ओडीए पूछा है, ओडीए ये वाला एंगल पूछा है, तो देखो ये 68 है तो ये भी क्या होगा 68, अब ये 68 हो गया तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 में से ये 68 हो गया तो बचा कितना 112, 112 में से ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर बराबर 56 56, तो आंसर आ जाएगा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, एक शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला आपको पता है 1/3 πr² h होता है और ये कितना दे रखा है 16,632 और ऊंचाई दे रखी है 9 और इसने त्रिज्या पूछी है कितनी होगी तो 1/3 π का मान 22/7 r निकालना है, x की जगह 9 रख दीजिए 16632 11 × 22 11 × 11 बचे 5 11 × 55 बचाए 11 × 11 2 × 11 × 22 2 × 7 = 14 1 × 2 = 10 1 × 2 = 12 9 × 8 = 72 बचे 3 × 9 = 36 ठीक है तो ये 21 उधर चला जाएगा तो r² = 84 × 7 = 21 84 को आप लिख सकते हो 4 × 21 अब 4 का वर्गमूल 2 21 दो बार है तो वर्गमूल में एक बार आएगा त्रिज्या आ जाएगी 42 तो इसका आंसर आ जाएगा 42। एक घन का आयतन, घन के आयतन का सूत्र होता है 1³, तो घन का आयतन इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है 128√2 है और इसने पूछा है घन के एक फलक का क्षेत्रफल, तो एक फलक का क्षेत्रफल आपको पता है a² होता है तो पहले तो मुझे यहाँ से a निकालना पड़ेगा तो a कैसे निकलेगा, a³ = 128√2 है तो 128 को आप लिखोगे 64 × 2 ये रूट दो, अब मुझे घन मूल निकालना है तो ये तो 64 तो 4 का क्यूब हो गया, ये 2 को आप लिख सकते हो √2 × √2 और 1√2 ये है ही, तो मुझे यहाँ से भुजा निकालनी है तो 4 का क्यूब है तो घनमूल में 1 4 आएगा और ये 3 बार है तो घनमूल में 1 बार आएगा तो भुजा तो आ गई 4√2 और मुझे एक फलक का क्षेत्रफल निकालना है यानी a² निकालना है तो 4√2² तो 4 का वर्ग 16 √2 का वर्ग 2 16 × 32 तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, चार भिन्न असंरेखीय बिंदुओं से कितनी सीधी रेखाएं खींची जा सकती है तो चार बिंदुओं में से हमें सीधी रेखा खींचनी है तो सीधी रेखा खींचने के लिए चार बिंदुओं में से हमें कितने बिंदु सेलेक्ट करने हैं 2 बिंदु तो इसलिए 4c2 परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्रमचय संचय तो 4 फैक्टोरियल इसको सोल्व करते हैं तो नीचे 2 फैक्टोरियल और फिर 4 − 2 फैक्टोरियल ये होता है एनसीआर वाला फॉर्मूला n·r·n − r·, तो ये 4 × 3 × 2 × 1 लिखोगे नीचे 2 × 1 और ये भी 2 × 1 तो ये कट गया
दो से काटा, दो दूनी चार, तीन दूनी छह, तो आंसर आ जाएगा छह। अब देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन दे दिया जो कि कोर्ट में भी नहीं। 36, एक छूट जो कि 10% 20% 25% छूट के समतुल्य हो, तो छूट बतानी है कितने की होगी। आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन है, सेम 3% दिए हुए हैं, तो मान लिया 100 अंकित मूल्य है, इस पे 10% की छूट दे रहा है तो बेचेगा कितने में, 90% में। 20% की छूट दे रहा है तो बेचेगा कितने में, 80% में। 25% की छूट दे रहा है तो बेचेगा कितने में, 25%, 75% में। ये कट गया, ये भी कट गया, 25 थी 75, 2500 का 100, 4 से काटा, 4 दुनी 8, 9 दुनी 18, 18 थी 54 में बेच रहा है वो, तो 100 में से 54 में वो बेच रहा है, तो छूट कितने की मिली, 46 की, तो आंसर आ जाएगा 46%।37 क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज का सेम क्वेश्चन है आरएस अग्रवाल बुक से इसमें कहा है कि एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से पांच वर्ष में दोगुनी हो रही है इसने पूछा है आठ गुनी कितने वर्ष में होगी तो पांच वर्ष में दोगुनी तो अगले पांच वर्ष यानी दस वर्ष में कितनी हो जाएगी चार गुनी तो अगले पांच वर्ष यानी 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी है आठ गुनी तो आंसर आ जाएगा इसका 17 वर्ष। 38, यदि एक वर्ग के तीन शीर्षों के निर्देशांक 0, 0 क्वेश्चन करवाए हुए हैं, -4 तथा 4, 0 हैं, तो इसके चौथे शीर्ष का निर्देशांक क्या होगा, तो चौथे शीर्ष का निर्देशांक निकालना है। तो देखो इनको अगर हम बनाते हैं तो ये 0, 0 आप यहां बनाओगे, ये पहला हो गया, दूसरा 0, -4 तो ये बना लेता हूं 1, 2, 3, 4 इधर -1, -2, -3, -4 ऐसे इधर 1, 2, 3, 4 ऐसे बनेंगे -1, -2, -3, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा दिया हुआ इसने x = 0, y = -4 तो दूसरा यहां बनेगा, तीसरा x = 4, y = 0 तो यहां बनेगा। अब वर्ग बनाना है तो ये ऐसे बनेगा वर्ग कि इसको यहां मिलाना पड़ेगा, इसको यहां मिलाना पड़ेगा, तो इसका मतलब चौथा पॉइंट ये होगा, और ये पॉइंट क्या होगा, x = 4, y = -4 तो इसलिए इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 4 - 4 यानी चौथा पॉइंट आ जाएगा 4 - 4। 39 PQ एक सीधी रेखा है जिसकी लंबाई 13 इकाई है, PQ कोई लंबाई दे रखी है 13 इकाई, यदि P के निर्देशांक 2, 5 है, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है आरएस अग्रवाल बुक की, ये सारे क्वेश्चन P का निर्देशांक 2, 5 है, Q के निर्देशांक x - 7 है, ठीक है, और इसकी लंबाई दे रखी है इसमें मुझे 13 इकाई, तो आपको x का मान ज्ञात करना है कि कितना होगा, तो इसको आप दूरी वाले सूत्र से भी कर सकते हो, और दूरी वाले सूत्र से नहीं करना है तो ग्राफ बना के भी कर सकते हो। जैसे x का मान क्या है, इसने 2 दिए हुए यहां पे 1, 2 तो x का मान 2, y का मान 5, 1, 2, 3, 4, 5 तो 2 और 5 कहां बैठेगा, ये वाला 2 और 5। दूसरा पॉइंट x और -7, अब x और -7 x का कोई भी मान होगा मुझे नहीं पता, लेकिन y का मान क्या है, -7 -7 यहां होगा। अब इसने जो ऑप्शन दे रखे हैं वो भी देख लेते हैं, 13, 3, -7 और 7। अब इसने यहां पे ये पॉइंट हो गया, x का मान 2, 5 हो गया, x का मान पता नहीं है -7, और PQ की लंबाई, ये PQ है तो Q की लंबाई 13 होनी चाहिए, तो 13 देखो इधर को अगर मैं कहीं बनाऊंगा तो x का मान इसने 13 दिया हुआ है, अगर मान लो आप 13 रखते हो तो x का मान 13 यहां पे रखोगे तो 2 ये हो गया और यहां 13 तक, ये कितनी होगी, 11 लंबाई होगी। लेकिन अगर मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिक बताई थी कि 5, 12, 13 यानी कर्ण मुझे 13 मिल रहा है, ये PQ की लंबाई, तो
पांच और बारह होनी चाहिए एक तरीके से, और आप ये देखो ये पांच ऊपर है और ये माइनस सात नीचे है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली लंबाई तो क्या है आपकी बारह है ये, तो ये बारह है ये तेरह है, तो इसका मतलब ये पांच होनी चाहिए। अब पांच होनी चाहिए तो ये दो पे है, तो पांच आगे बढ़ाना है, तो इसका मतलब एक्स का मान क्या होगा सेवन, तो एक्स का मान आ जाएगा सेवन। अब इधर भी आप सेवन बना सकते हो, लेकिन इधर सेवन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेवन कैसे बनेगा जब इधर माइनस पांच तक जाओगे, लेकिन माइनस पांच ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इधर वाला भी सही हो जाता अगर माइनस पांच होता तो ऐसे बन जाता, ये हो जाती बारह ये तेरह और नीचे पांच और दो बिंदु ये हो जाते सात हो जाती, लेकिन इधर वाला माइनस पांच ऑप्शन में दे ही रखा है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा प्लस का सेवन, क्योंकि आप जब सोल्व करोगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आएगा कि या तो ये होगा या ये होगा, लेकिन वो कंफ्यूजन आपका डायग्राम से ही दूर होगा, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूला देखो क्या है, दूरी निकालने का सूत्र होता है दूरी का वर्ग बराबर अंडर रूट, दूरी बराबर अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन यानी एक्स माइनस दो का होल स्क्वायर प्लस माइनस सात माइनस पांच का होल स्क्वायर। अब वर्गमूल हटाओगे तो इधर वर्ग लोगे 169 एक्स माइनस दो का होल स्क्वायर प्लस सात पांच बारह का वर्ग 144 144 इधर आएगा तो 25 एक्स माइनस दो का होल स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स माइनस दो बराबर क्या आएगा प्लस माइनस पांच। अब प्लस का पांच रखोगे माइनस दो इधर आएगा तो कितना हो गया एक्स का मान एक बार तो सात आ गया, माइनस पांच रखोगे तो माइनस दो इधर आएगा तो एक्स का मान एक बार क्या आ गया माइनस तीन। अब माइनस तीन हाँ चलो माइनस तीन भी ऑप्शन में नहीं है, तो उससे भी आंसर क्या आ रहा है आपका सेवन ही आ रहा है, दोनों तरीके से आप कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु स्थित है, तो आपको पता है कि एक्स अक्ष पे वाई का मान क्या होता है जीरो होता है, तो वाई का मान जीरो किस ऑप्शन में दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन में, तो आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। एक वर्ग के दो शीर्ष बिंदु माइनस वन, दो सम्मुख शीर्ष माइनस वन और टू दिए हुए हैं माइनस वन टू और थ्री टू, क्या होंगे अन्य दो शीर्षों के बताने, पहला ऑप्शन वन जीरो माइनस वन फोर, दूसरा ऑप्शन माइनस वन जीरो माइनस वन फोर, वन जीरो वन फोर माइनस वन जीरो वन माइनस फोर। देखो अगर इसमें आप किताबी तरीके से चलोगे तो उसमें काफी लेंथी पड़ेगा, एक्स वाई वगैरह मान करके वो मानेगा, दो समीकरण बनाएगा, सोल्व करोगे, लेकिन आप इससे अगर डायग्राम बना लेते हो तो आपको आंसर दिख जाएगा, एक्स बराबर ये जीरो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, तो एक्स की जगह पहले माइनस वन वाई की जगह टू, तो माइनस वन और वाई की जगह टू, एक बिंदु तो यहां हो जाएगा ठीक है, दूसरा थ्री और टू, एक्स बराबर थ्री और वाई बराबर टू, लेकिन इसमें जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों सम्मुख शीर्ष है, सम्मुख का मतलब आमने सामने, तो इसका मतलब ये आमने सामने के शीर्ष है, तो वर्ग कैसे बनेगा, कहीं ना कहीं वर्ग ऐसे बनेगा, इस तरीके से कहीं ना कहीं बनेगा, यानी ये एक तरीके से ये विकर्ण हो जाएगा, तो ये माइनस वन कोमा टू हो गया, ये क्या हो गया थ्री कोमा टू। अब ऊपर जो भी देखो इस वाले पॉइंट का जो मान आएगा वो क्या आएगा x बराबर क्या आएगा प्लस का, और y भी क्या आएगा प्लस का, क्योंकि तो दोनों ऊपर वाले हिस्से में। अब x का मान y 1 या ऑप्शन से देख लो, x का मान 1 और 0 रखते हो, अगर मान लो x का मान आपने 1 0 रख दिया माइनस 1 4 रख दिया है, तो वर्ग में क्या होता है सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहां पे अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो ये कितना आएगा 3 में से 1 गया 2, दो में से जीरो गए दो, दो का वर्ग अगर आप ये लगाते हो तीन में से एक गया तो दो, दो में से जीरो गए तो ये चार, ये भी चार, चार चार आठ, अंडर रूट आठ आ रहा है, तो यहां भी अंडर रूट आठ आना चाहिए, यहां पे भी अंडर रूट आठ आना चाहिए, तो यहां पे भी अंडर रूट आठ आ जाएगा, लेकिन यहां पे भी अंडर रूट आठ आ जाएगा, यहां पे अंडर रूट आठ नहीं आ पाएगा, क्योंकि माइनस वन करोगे
तो माइनस वन करोगे तो ये जीरो बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये दो में से चार घटाओगे तो माइनस दो, तो यहाँ पे ये दो ही रह जाएगा, इस वाले से बराबर नहीं आ पाएगा, तो ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं आ पाएगी, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर ऐसे ही दूसरे ऑप्शन पे भी चेक करोगे, माइनस वन जीरो और माइनस वन फोर रखोगे, माइनस वन फोर और यहाँ पे क्या रखा है इसने, माइनस वन जीरो, एक्स बराबर माइनस वन और जीरो रखोगे, तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट तो किसी भी हाल में हो ही नहीं सकता ये वाला, क्योंकि यहाँ वाला बन ही नहीं सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, वन जीरो रखोगे, एक्स की जगह वन जीरो रखता है यहाँ पे, और ये रखोगे वन फोर, अगर ये वाला वन फोर रख रहे हो तो यहाँ से आप देखोगे चारों भुजाएं बराबर आ जाएगी, तीन में से एक गया दो, दो में से जीरो गए, दो का वर्ग चार चार, रूट आठ आ जाएगा, यहाँ पे भी रूट आठ मिल जाएगा आपको, माइनस वन माइनस वन, दो माइनस चार इसका स्क्वायर, एक और एक दो का स्क्वायर चार, ये भी चार, चार चार रूट आठ, इधर भी रूट आठ मिल रहा है, इधर भी रूट आठ मिल रहा है, तो इधर भी रूट आठ आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन से कर लो। नेक्स्ट, फोर्टी टू क्वेश्चन रेखा और कोण वाले चैप्टर से है। चित्र में कोण एक्स वाई जेड, कोण ये एक्स है, ये वाई बिंदु है, ये जेड है, ये 64 डिग्री दिया हुआ है आपको, तथा एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ा दिया गया, यदि किरण वाई क्यू, वाई क्यू कोई किरण है जो जेड वाई पी, जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित कर रही है, ये किस कोण को, इस पूरे कोण को समद्विभाजित कर रही है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, बराबर, ये 64 है तो ये पूरा कोण कितने का होगा, 116 का, 116 क्योंकि पूरा कोण 180 का होता है, 116 में से ये 58 होगा और ये भी 58 होगा। अब इसने क्वेश्चन में पूछा है कि कोण एक्स वाई क्यू कितना होगा, एक्स वाई क्यू यानी ये वाला कोण निकालना है, तो 58 प्लस 64 तो ये आंसर आ जाएगा 122। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 स्टैटिस्टिक वाला क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 वाला क्वेश्चन देखो, औसत वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। 13 संख्याओं का माध्य मतलब औसत दिया हुआ है 24, 13 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 24। अब इसने कहा है यदि प्रत्येक संख्या में तीन जोड़ दे, तो सभी में तीन तीन जोड़ दिया इसने, तो बताइए नया माध्य या नया औसत क्या होगा। तो जब सब संख्याओं में तीन तीन जोड़ेगा तो औसत में भी तीन जुड़ जाएगा, तो नया औसत कितना आ जाएगा, 27। ऐसे ये क्वेश्चन अगर बनाए कि सभी संख्याओं में तीन से गुणा करें तो औसत में क्या होगा, औसत में भी तीन से गुणा हो जाएगी, सब कुछ सब औसत सब संख्याओं में ये तीन से भाग कर रहा है तो औसत में भी तीन से भाग हो जाएगा, तो जो भी कहे ये संख्याओं में वो कर दो आप औसत में। नेक्स्ट 45 वाला जो क्वेश्चन है ये साधारण ब्याज वाले चैप्टर से है, एलिगेशन वाला क्वेश्चन है। साधारण ब्याज में 4000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 3% तथा दूसरे भाग को 5% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, यदि पूरा निवेश पर एक संपूर्ण वर्ष का सरल ब्याज, पूरे वर्ष का यानी टोटल दोनों को मिलाकर 144 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, मिश्रण। तो मिश्रण एलिगेशन में हम क्या करते हैं, मिश्रण बीच में लिखते हैं। अब ये 4000 पूरा का पूरा अगर 3% पे देगा तो ये टोटल कितना आएगा, 4000 का 3% निकालोगे तो 4000 × 3/100 करोगे तो इससे ये आ जाएगा 120। ऐसे 4000 का 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200। एलिगेशन टेक्निक में हम क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर इधर लिखते हैं, 120 और 144 का अंतर कितना आएगा, 24। इन दोनों का अंतर इधर लिखते हैं, दोनों का अंतर कितना आएगा, 56। 8 × 24 8 × 56 तो ये आ गया 7:3। अब इसने क्वेश्चन में पूछा है पहले भाग की राशि, पहले भाग यानी 3% वाली राशि निकालनी है, तो निकालने वाला अनुपात ऊपर 7 ऊपर, टोटल 4000 है तो टोटल 10 नीचे, गुणा में दी गई राशि 4000, तो 728 तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 वाला जो क्वेश्चन है ये भी सेम क्वेश्चन है, प्रतिशत वाले चैप्टर से, आर्य सरकार का ही क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यानी आय उसकी 75 है तो खर्च किया उसने कितना,
आय अगर उसकी 100 है तो खर्च वो करता है 75, तो बचत कितनी हुई उसकी 25। उसकी आय 20% तथा व्यय 10% बढ़ता है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि पूछी है कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, बचत में वृद्धि प्रतिशत में पूछी है। तो हमने आपको बता रखा है कि बचत में वृद्धि प्रतिशत पूछे तो वृद्धि कितने की हुई वो चाहिए आपको, और पहले बचत कितनी थी वो चाहिए इनटू 100। यहाँ पे दूसरी आय निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो अब इसने क्वेश्चन में कहा है कि उसकी आय 20%, तो आय 100 का 20% 20 बढ़ गई, खाली वृद्धि निकालूंगा मैं, टोटल आय निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खर्च में 10% बढ़ता है तो 75 का 10% 7.5, आय में से खर्च घटा दीजिए 20 में से 7.5 घटाओगे तो 12.5, यानी 12.5 रुपए की वृद्धि हो गई बचत में। तो 12.5 ऊपर, पहले की बचत 25 है तो 25 नीचे इंटू 100, इससे इसे काटोगे तो 2, 2 से इसे काटोगे तो 50, तो आंसर आ जाएगा इसका 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबहुभुज के एक बहिष्कोण तथा एक अंतःकोण, बहिष्कोण यानी बाह्य कोण, अंतःकोण यानी एक का अनुपात 1:5 दिया हुआ है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, भुजाओं की संख्या यानी n पूछा है। तो बहुभुज वाला चैप्टर हम पढ़ाते हैं तो उसमें आपको बताते हैं कि अंतःकोण और बाह्य कोण के का योग कितना होता है 180। यानी यहां से मुझे बाह्य कोण निकालना है तो निकालने वाला अनुपात ऊपर 1 ऊपर, टोटल इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। तो 5 और 1 6 नीचे गुणा में दी गई राशि 180। तो बाह्य कोण कितने डिग्री का आ गया यहां से 3 डिग्री का, और बाह्य कोण का फॉर्मूला आपको लिखा रखा है मैंने 360/n होता है बराबर 30 डिग्री। तो 0 से 0 कट गया, 3 से 36 को काटोगे तो n बराबर 36/3 यानी 12। तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी इसमें 12। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है कि पी परसेंट तथा क्यू परसेंट के क्रमागत बट्टे कितने बट्टे के समतुल्य है। तो पहला ऑप्शन, ऑप्शन देखकर भी आइडिया लगा सकते हो आप, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो प्रतिशत वाले चैप्टर में भी ये टाइप करवा रखी है और लाभ हानि वाले चैप्टर में भी। तो आपको बताया बट्टा है तो माइनस पी माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस पी क्यू अपॉन 100, और माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू अपॉन 100 बन जाएगा, जो कि आपको किसमें दिख रहा है सेकंड ऑप्शन में। माइनस का मतलब क्या हो गया बट्टा, इसलिए इसने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया क्योंकि माइनस का मतलब ऐसे भी बट्टा ही है। एक बेलनाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या r दे रखी है 20 और ऊंचाई दे रखी है तथा वह 32 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जूस से भरा है। तो 32 सेंटीमीटर ऊंचाई तक वो जूस से भरा हुआ है, जूस को 4 सेंटीमीटर, ये r1 h1 हो गया, जूस को 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार ग्लासों में, तो वहां पे भी बेलन है, बेलनाकार ग्लासों में 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है। तो ऊंचाई दे रखी है 8 और त्रिज्या दे रखी है इसकी 4, ऐसे कितने ग्लास भरे जा सकेंगे। तो ग्लास की संख्या निकालनी है, तो आपको बताया मैंने कि बड़ा आयतन ऊपर छोटा आयतन नीचे, तो बड़ा आयतन पाई आर स्क्वायर एच वन, आर स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, एच वन यानी 32, नीचे पाई आर टू स्क्वायर, आर टू स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और एच की जगह एच टू की जगह 8, ये कट गया 4 × 20, 4 × 20 8 × 32 5 × 25 का 100, तो गिलासों की संख्या आ जाएगी 100। लास्ट क्वेश्चन 50, बाह्य विभाजन और अंत्य विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है निर्देशांक ज्यामिति में। P कोई बिंदु है 9a-2 और ये -b है, इसके निर्देशांक क्या, ये x की जगह हो गया, ये y की जगह हो गई, ये बिंदुओं A 3a+1 -3, B 8a5 को मिलाने वाले रेखाखंड को
ये पी बिंदु है, पी बिंदु यानी यहाँ पे रखना है, ये पी बिंदु हो गया 9a-2-b। मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी ये 3 है, ये 1 है, यानी ये m और n के मान हो गए। तब a तथा b के मान क्या हैं? तो a और b के मान आपको बताने हैं। पहला ऑप्शन a बराबर -1, b बराबर -3। दूसरा ऑप्शन a बराबर -1, b बराबर 3। तीसरा ऑप्शन a बराबर 1, b बराबर 3। चौथा ऑप्शन a बराबर 1, b बराबर -3। तो देखो ये क्वेश्चन भी आपको क्लास में करवा रखे हैं कि ये यहां से ये x का मान, हम इसको x और y बिंदु मानते हैं, तो x का मान यानी 9a-2 बराबर होता है m into x2 यानी m की जगह 3 है और यहां 8 है। ये फॉर्मूले लिखवा रखते हैं आपको, x बराबर mx2 प्लस mxnx1 अपॉन m प्लस n, ऐसे y बराबर mx2 प्लस n, सॉरी y2 ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहां पे x की जगह 9a-2 हो गया, mx2 करोगे 3 into 8a यानी 8 किया 24a, फिर उसके बाद 1 into 3a+1 अपॉन 3 और 1 4। अब 4 की इधर गुणा करोगे, 4 में 36 है, -4 × 8 24 और 3 27 है, +1 27 है, इधर आएगा तो 9 ए बचा, माइनस का 8 उधर जाएगा तो प्लस का 9 हो गया उधर, तो ए बराबर कितना आ गया यहां से 1। अब 1 और 1 आप ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, अब बचे ये दोनों। अब दूसरे वाले से y बराबर ये वाला, इससे हमें b का मान निकालना पड़ेगा, तो y बराबर y की जगह क्या हो गया -b बराबर m into y2 यानी 3 into 5 यानी 15, n into y1 यानी 1 into -3 यानी -3 अपॉन m+n यानी 3 और 1 4। तो -b बराबर 15 में से 3 गए 12/4, 4 × 12, तो -b बराबर 3 यानी b बराबर -3, तो ये आ जाएगा आंसर फोर्थ ऑप्शन। तो गाइस ये हमारे ट्रिक्स वगैरह जो भी आपको कैसी लगी अपने कमेंट जरूर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है। और जिनका 19 तारीख में पेपर है, 19 अगस्त में, 9 सितंबर में, 16 सितंबर में, उनके लिए ये वीडियो काफी लाभदायक सिद्ध होगा। और इस तरह के क्वेश्चन जैसे भी पेपर में क्वेश्चंस आए हैं वो आप कर ले, उनके जैसे दो दो चार चार क्वेश्चंस बना ले। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन घर पे आप बैठ के तैयारी कर रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जो है मेरे YouTube चैनल पे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, अरविंद कौशिक फेसबुक पे भी, अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से फेसबुक पेज है वहां पे भी लिख सकते हैं, अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से फेसबुक आईडी भी है वहां पे भी लिख सकते हैं, जहां आपकी इच्छा वहां पे डाल सकते हो, आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको उसी दिन मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।